नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टेक इन द टिप्स में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए Xiaomi Mi A1 और Asus Zenfone 5 2018 वर्जन, दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो। दोनों फोन को हर एंगल से देखेंगे, कौन सा फोन किस एंगल से अच्छा है और कौन सा फोन किस एंगल से बेकार है, ऑनेस्ट रिव्यू है। और दोस्तों आज की वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना ना भूले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा लें। सो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हरिओम और आप देख रहे हैं टेक इन द टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोनों फोन की बात करी जाए तो ये एक तरफ है Xiaomi Mi A1 और दूसरी तरफ है Asus Zenfone 5 2018 वाला। तो दोस्तों दोनों फोन की बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो Xiaomi Mi A1 में आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसपे आपको प्रोटेक्शन दिया है 2.5D का कोरिनिंग गोरिल्ला ग्लास का। उसके साथ ही दोस्तों Asus जो Zenfone 5 है उसे आपको मिलता है 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है। और फ्रंट की साइड से आप देखेंगे एप्पल की तरह ही लगता है, एप्पल 10 की तरह। ऊपर साइड नॉच दी हुई है वो काफी छोटी है, एप्पल वाले में थोड़ी बड़ी है। तो ये एक तरफ से और दूसरी तरफ ये, मगर दोनों फोन की फ्रंट की साइड से देखा जाए तो Xiaomi Mi A1 इतना अच्छा नहीं लगता जितना Asus Zenfone 5 देखने को लगता है। फोन के बैक कैमरों की बात करी जाए तो सबसे पहले Xiaomi Mi A1 की बात करता हूँ, तो Xiaomi Mi A1 में आपको 12-12 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिलते हैं। उसमें ही एक वाइड एंगल है और दूसरा टेलीफोटो लेंस के साथ 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो Xiaomi Mi A1 का कैमरा मैं ऑनेस्ट बताऊं यार, मैं खुद यूज कर रहा हूं काफी दिनों से, मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कैन 700D से फोटो जैसे क्लिक होती है वैसी आपको ये फोटोज देता है, बिल्कुल DSLR वाली फीलिंग आपको देता है। और Asus Zenfone 5 की बात करें तो Asus Zenfone 5 का कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बताया जा रहा है, क्योंकि यार इसमें AI टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। उसके साथ ही जो इसका कैमरा है 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, उसमें आपको मतलब 120 डिग्री 8 मतलब जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसमें आपको 120 डिग्री तक वाइड एंगल मतलब देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा होने वाला है Asus Zenfone 5 का। और दोस्तों दोनों फोन के कैमरे की बात कर ली है, अब उसके बाद बात करते हैं रैम की। तो Xiaomi Mi A1 में आपको मिलती है 4GB की रैम और Asus में मिलती है 4GB की और 6GB की, दो वेरिएंट। और Xiaomi Mi A1 में आपको मिलता है 64GB का इंटरनल स्टोरेज और साथ ही में मिलता है आपको Asus में 64+128GB। तो Xiaomi Mi A1 में तो दो वेरिएंट नहीं, एक ही वेरिएंट था, तो ये कहीं मुझे लग रहा है इसका माइनस पॉइंट है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करी जाए दोनों फोन के अपने OS की मतलब एंड्रॉयड वर्जन की, तो दोनों में आपको एंड्रॉयड O मिलता है। और साथ ही में जैसे कि आप देखेंगे Xiaomi Mi A1 है जो स्टॉक एंड्रॉयड है, तो इसमें आपको जल्दी अपडेट आएंगे और मतलब फास्ट काफ़ी ज़्यादा है ये मैं देख रहा हूँ। बट जो Asus का है अपना खुद का भी इसमें UI दिया हुआ है, ZenUI 5 है, तो दोनों फोन ऑल ओवर देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ ही Xiaomi Mi A1 की बैटरी की बात करी जाए तो बैटरी आपको उसमें मिलती है 3080mAh की और उसी के साथ आपको Asus Zenfone 5 में मिलती है 3300mAh की बैटरी दी है, मतलब Xiaomi Mi A1 से काफ़ी ज़्यादा है। बट हाँ उसकी डिस्प्ले भी ज़्यादा और मतलब बड़ी है, तो समझ लिए उतने यार यूज जितना भी बैटरी बैक और आपकी यूज़ करने के ऊपर भी है। और दोस्तों उसके साथ ही बात करी जाए दोनों फ़ोन के लुक की, तो यार फ़ोन तो दोनों ही मतलब एप्पल कैसा लगता है कॉपी करे हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं Xiaomi Mi A1 है वो एप्पल 7 की तरह लगता है, 7 प्लस की तरह, और आप बात करें Asus की तो 10 की तरह। तो मतलब दोनों फोन की लुक देखी जाए तो काफ़ी आता है। और Xiaomi का Mi A1 मैं खुद बताऊँ यार यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे इसमें बिल्कुल मतलब फ़र्क बताऊँ 1% भी यार ऐसा नहीं लगे कि फ़ोन ख़राब है किसी भी एंगल से, और वाकई में फ़ोन लाजवाब है। मगर हाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Xiaomi Mi A1 आप ले रहे हैं तो उससे पहले आप Redmi Note 5 Pro की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 5 Pro भी बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको इस बजट में सब कुछ मिलता है। मगर मैं एक चीज़ लास्ट में ये जाते जाते बोलना चाहूँगा, Xiaomi Mi A1 जैसा मैंने किसी भी फ़ोन का कैमरा नहीं देखा है, आपको मैं फोटो सैंपल दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ ये, तो मतलब Xiaomi Mi A1 जैसा कैमरा नहीं। बट देखते हैं Asus Zenfone 5 का कैमरा इंडिया में जब लॉन्च होता है तो देखेंगे कैसा होता है, हैंड्स ऑन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा, और देखूंगा कि कैमरा कैसे कैमरा कंपैरिजन एक फुल वीडियो जो कि हाँ जनरली होती है वो आपके लिए जरूर से लेके आऊँगा।
दोस्तों कुछ यही थी वीडियो, और दोनों फोन की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से Xiaomi Mi A1 मेरी तरफ से बेस्ट है यार, क्योंकि यार ये आपको वो सारे फीचर्स देता है जो आप एक मिड रेंज फोन में लेना चाहते हैं, और जो कैमरा की क्वालिटी है वो आपको स्पेशली इसमें देखने को मिलती है। बट हाँ, इसमें एक चीज आपको मात मिलती है, फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, तो इसमें ये माइनस पॉइंट है। और Redmi Note 5 Pro में आप जा सकते हैं, उसमें 20 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है। मेरा कहना है कि Redmi Note 5 Pro और Xiaomi Mi A1 कोई सा भी आप ले सकते हैं मेरी तरफ से, मैं नहीं लेके दूंगा। मगर कुछ यही वीडियो थी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों मैं रोज डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको और कंपैरिजन चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।